नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज जो है हम बीएसटीसी मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। तो साथियों, आपके जो है एग्जाम में, बीएसटीसी के एग्जाम में हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चन आते हैं। उन 30 क्वेश्चनों के लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार में से कोई एक तत्सम शब्द है, आपको उस तत्सम शब्द को पहचानना है। सर, तत्सम शब्द होता क्या है? देखो, तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, तत् यानी उसके और सम यानी सम्मान है। उसके सम्मान, उसके किसके सम्मान? तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं, उन संस्कृत भाषा के शब्दों के सम्मान जो शब्द होते हैं, यानी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द, हुबू जो शब्द होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। आपको याद रखना है कि तत्सम जो शब्द है, सबसे पहले अगर पहचान करते हो तो जिस भी शब्द में ये आपका से आ जाता है क्षत्रिय वाला, ये जो शब्द होते हैं कसे वाले, ये सारे शब्द किस में होते हैं? तत्सम में होते हैं। दूसरा, जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें ये जो पहला वाला स है, ये तीसरे वाले स में बदल जाता है। और जो व वर्ण होता है, ये व वर्ण किस में बदल जाता है? ब वर्ण में बदल जाता है। जो व वर्ण है वो किस में बदल जाता है? ब वर्ण में बदल जाता है। तो पहला शब्द है कि पलंग, भात, चौंच, भगवान, इनमें सा कौन सा शब्द है जो आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तो आप कहेंगे, सर इसमें भगवान जो है वो तत्सम शब्द है। मैंने कहा था जो ये व्यवर्ण होता है, ये व्यवर्ण किस में आता है? तत्सम शब्द में आता है। तो आपका भगवान जो है कौन सा है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखे, कारज, काम, कर्म, कर्म, इनमें से कौन सा शब्द है? देखो, कारज है, काम है, क्रम है, ये क्रम है, ये हो गए एक ही जैसे शब्द है। तो आप कहेंगे कि ये जो है क्रम चौथा, ये आपका क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। इस क्रम को ही हमने कहीं रूप बदल दिया है, तो जिसमें री आ जाता है, ये री जो है ये भी आपका किस में आ जाता है? तत्सम शब्द में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुखी, दयाल, दक्षिणा, दोगुना, तो इसमें अगर बात की जाए कि कौन सा है, तो दक्षिणा। मैंने कहा था ये जो है आपका कसे वाली मात्रा है, क्षत्रिय वाला जो स है, ये अगर आ जाता है तो ये हम किस में बोलते हैं? तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट देखे, नौकर, निर्जीव, नह, निकाश, नौकर, निर्जीव, नह, निकाश, तो ये निर्जीव शब्द है, ये क्या होता है? तत्सम शब्द है। और अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगले जो है आपको तद्भव बताना है। अब तद्भव है ना, तद्भव का अर्थ क्या है? तद्भव जो शब्द है वो तद्भव शब्द क्या होते हैं कि संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द है उनसे बने होते हैं ये। अब इनमें ये जो है परिवर्तित शब्द होते हैं, है ना, और जो तत्सम होते हैं वो अपरिवर्तित होते हैं। ये जो है शब्द आए तो संस्कृत भाषा से ही है, लेकिन इनमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो आपको तद्भव बताना। तो अभी हमने बात की थी कि जो कौन से शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं और तद्भव होते हैं। तो हमने कहा कि जो ये ब शब्द है, ये ब वर्ण है, ये किससे बनता है? व वर्ण से बनता है, है ना। और जब व वर्ण से बनता है, दूसरी बात हमने कहा कि ये जो ऋषि वाला है ये किस में आता है? तत्सम में आता है। तो यहां आपको तद्भव बताना है, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? बीमारी जो है वो तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखे, तृष्णा, मित्र, मार्ग, क्षत्रिय, अब इनमें से जो है कौन सा आपका तद्भव है? तो आप कहेंगे, सर मार्ग जो शब्द है, मार्ग, ये मार्ग जो है आपका कौन सा है? तद्भव है। कौन सा है? तद्भव शब्द है ना। क्षत्रिय हो गया, मित्र हो गया, तृष्णा हो गया, ये तत्सम शब्द है। अगला देखो, शत, अंग, षष्ट, बीस, है ना, शत, अंग, षष्ट, बीस, इनमें से जो है ये कौन सा? बीस, ये बीस जो है आपका तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखे, निर्देश, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए
उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में एक रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वो आपको चयन करके उस वाक्य को पूर्ण करना है। तो सबसे पहला आप वाक्य पढ़िए, जब वाक्य को पढ़ते हो तो वाक्य को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। व्यक्तित्व के डैश 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 में सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्तित्व के निर्माण, संचालन, चयन या कथन, तो सीधा सा पता लग रहा है कि व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, व्यक्तित्व के निर्माण में सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला देखिए, देश की वर्तमान अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण डैश 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 अवसरवादिता है। जो देश की वर्तमान अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण डैश 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 अवसरवादिता है, इसमें सामाजिक अवसरवादिता है या आध्यात्मिक है या राजनीतिक है या धार्मिक है, तो कौन सा कारण है? तो आप कहेंगे सर राजनीतिक कारण है जो है इसका। अवसर अस्थिरता का जो कारण है वो क्या है? राजनीतिक अवसरवादिता है। राजनीतिक अवसरवादिता की वजह से जो है वर्तमान अस्थिरता बनी हुई है, यह सबसे बड़ा इसका कारण है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति उस समय तक उसका कार्य करता है जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए। राष्ट्रपति का क्या हो जाए? निर्वाचन हो जाए। देखो यहां पर ये डैश 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 है ना, तो यहां थोड़ा सा ये है कि यहां आपका क्या आएगा? निर्वाचन आएगा, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, इस शब्द की जगह है आपको पूछा गया था, यहां पर डैश डैश लाइन थी। हो जाए निधन, हो जाए स्थानांतरण, हो जाए निर्वाचन, हो जाए निर्वाण, तो क्या हो जाए? निर्वाचन जब तक नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति के पद पे जो है कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति जो है कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आपको एक शब्द दिया गया है, उस शब्द के संधि विच्छेद किए गए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा संधि विच्छेद जो है एकदम सही है। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक, अति धन अधिक। अब अति धन अधिक कौन से ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है। अब ये कहीं बार ऐसा पूछ लेता है कि ये अत्यधिक शब्द है, इसमें कौन सा संधि है, संधि कौन सी है? तो यहां अगर बात करूं मैं तो यहां पर जो संधि बन रही है ई है, इस ई के बाद में एक असमान स्वर आ रहा है और इससे किसका निर्माण हो रहा है? ये का निर्माण हो रहा है, अत्यधिक, है ना, अति धन अधिक। इसके अंदर जो ये ई है और इसका जो ए है ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ये का। और ये का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी संधि है? यण संधि है मेरे भाई, है ना साथियों। तो याद रखे यण संधि के अंदर क्या होता है? ई या ई का, तो जो है इसके बाद में असमान स्वर आता है, इसके बाद असमान स्वर आ जाता है। तो जब भी असमान स्वर आता है तो इस ई का क्या बन जाता है? ये। और ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो इसका क्या बन जाता है? वह, ठीक है, तो ये ध्यान रखे। नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त शब्द में कौन सी संधि है? उपर्युक्त शब्द में जो है आपको पूछा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। उपर्युक्त शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऊपरी धन युक्त, ऊपरी धन युक्त, उपर्युक्त, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या बन रहा है? ई और ऊ है जो मिलकर के क्या बन रहे हैं? ये बन जाएगा, है ना। तो यहां भी आपकी कौन सी संधि होगी? या इसका आंसर तो हो जाएगा ऊपरी धन युक्त, और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है, यण सवर संधि। यद्यपि शब्द की संधि विच्छेद, तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहां भी आप बात करोगे तो ई के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ई के बाद में क्या आ रहा है? ए। तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? यणी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, निर्विवाद
निर्विवाद, इसका जो है संधि विच्छेद कौन सा होगा? निर्विवाद जो शब्द है इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद जो शब्द है इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन, निर्धन विवाद, निधन विवाद, निर्धन विवाद, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। है ना, तो यहां जो है आपका संधि विच्छेद हो जाएगा निधन विवाद, यानी ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखें, पित्रादेश, पित्रादेश के अंदर कौन सी संधि है? पित्रादेश में कौन सी संधि है? तो यहां जो है आपका आंसर हो जाएगा पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। तो यहां जो है ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले कुछ लोकोक्ति और मुहावरे को लेकर के क्वेश्चन है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का अर्थ है, हम मारवाड़ी कावते कहते हैं तो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब अकेले व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। तो यहां आप देखोगे तो कठिन काम अकेले आदमी के वश का नहीं है, इसका मतलब जो भी कोई कठिन कार्य होता है उस कार्य को अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके कार्य को करने के लिए उसको जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है। अगला कह रहा है चना भला क्या भाड़ फोड़ेगा, ये कोई अर्थ नहीं है। भाड़ फोड़ना सरल कार्य नहीं है, कथन सरल पर कार्य कठिन है, कथन सरल पर कार्य कठिन है, तो ऐसा कोई भी ये इनका अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ ये निकल रहा है कि कठिन काम अकेले आदमी के वश का नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना, तो क्या होगा? घर में गंगा बहाना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। कटौती में गंगा बहाना नहीं। यदि मन शुद्ध हो तो सभी जगत तीर्थ है, ये अर्थ है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि आपका अगर मन शुद्ध है तो सभी जगह जो है तीर्थ है, सभी जगत यानी पूरा जो संसार है विश्व है यही तीर्थ है, इसलिए इसका आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। पत्थर की लकीर होना का अर्थ है, पत्थर की लकीर होना का अर्थ है बात पर अटल होना, पत्थर तोड़ना, पत्थर पर रेखा खींचना, पत्थर जोड़ना। तो आपको पता है कि पहला ही ऑप्शन है, इसका एक थोड़ा सा अर्थ निकल रहा है, बाकी जो शब्द है, बाकी जो तीन ऑप्शन है इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना मतलब जो अगर आपने पत्थर की लकीर खींच दी तो वो इधर उधर नहीं हो सकती है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो है अपनी बात पर क्या रहता है, अटल रहता है, तो अपनी बात पर अटल होना। एक चुप सो को हराए, एक चुप सो को हराए का अर्थ है मौन एक उपयोगी यंत्र है, मौन एक उपयोगी मंत्र है, शत्रु को हराने के लिए मौन का सहारा लेना चाहिए, अधिक बोलना ठीक नहीं है, वार्तालाप में शक्ति व्यय नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे मौन एक उपयोगी मंत्र है, यानी जो आदमी मौन रहता है उसके लिए ये एक मंत्र है, वो मौन रहकर कोई ना कोई जो है मन में कुछ सोचना, विचार करना या किसी की बात को सुनना। तो इस प्रकार से एक चुप सो को हराई, यानी अगर आप चुपचाप बैठ जाते हो तो कोई बोल रहा है वो अपने आप थोड़े समय बाद में बोल करके है अपने आप चुप हो जाएगा, तो ऐसे तो आप चुप होकर हरा नहीं सकते। तो इसका कहने का मतलब है कि एक मौन जो है, अगर आदमी मौन रहता है, चुपचाप रहता है, तो सामने वाला थोड़ी देर के लिए बोलता है फिर अपने आप बंदे हो जाता है, वो अपनी हार मान लेता है। काम काज में कोरा होना का अर्थ है, काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम न जानना, काम पूरा न करना, काम समाप्त करना, काम न करना। काम काज में कोरा, कोरा का मतलब होता है कि शुद्ध, अपन ये कह सकते हैं कि कोरा कागज है, कोरा कागज मतलब एकदम खाली है, और जब खाली है तो इसका अर्थ होगा काम न जानना, यानी किसी भी काम में कुछ भी जानकारी न होना, किसी काम की कोई जानकारी न होना या काम न जानना क्या होता है, काम काज में कोरा होना है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए,
यहां कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों के लिए जो है एक शब्द चुनना है आपको, जो कुछ भी करने के, जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो, यानी जो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए निर्णय नहीं ले सकता है उसके लिए एकल शब्द क्या होगा, तो हो जाता है किंग कर्तव्य विमूढ, किम कर्तव्य विमूढ, यानी जो कोई काम करने के लिए निर्णय नहीं ले सकता है, कुछ भी कार्य करने के लिए निर्णय नहीं ले सकता, उसे हम कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ। नेक्स्ट देखे, जो प्रणय सूत्र में न बंधा हो, जो प्रणय सूत्र में न बंधा हो उसे कहते हैं अप्रणीत। अब आप कहेंगे सर अप्रणीत है, अविवाहित है। देखो विवाहित और अविवाहित का थोड़ा सा बात ऐसा है कि जिसकी शादी ना हो वो क्या होता है, अविवाहित। लेकिन शादी होगी कब, जब शादी होती है हम उसको विवाहित कहते हैं, लेकिन वो प्रणय सूत्र में बंधता है तो उसके लिए ये शब्द है अप्रणीत, है ना। अविवाहित मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दोपहर के बाद आने वाला समय, तो दोपहर के बाद का जो है समय क्या हो जाता है, अपराह्न हो जाता है। दोपहर के बाद का समय जो होता है अपराह्न होता है। गोधूली वेला शाम, निशा, निशा यानी रात का हो गया, शाम अंधेरा हो गया, गोधूली वेला शाम होती है, उससे थोड़े से पहले का जो समय होता है उस समय को कहते हैं गोधूली। सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखता है उसके लिए क्या होगा, समदर्शी। समदर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला, सम यानी समान, तो सबको समान रूप से देखने वाला वो हो गया समदर्शी। अगला देखिए, जो सहन करने की शक्ति रखता हो सहिष्णु। सर्वज्ञ क्या होता है, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है और जो सहन करने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं सहिष्णु। अगला देखो, अगले निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह आपको पता करना है। पहला वाक्य है कि क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकोगे, है ना, कर सकोगे। दूसरा है, क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकेंगे, आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकेंगे क्या, तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया, नहीं, है ना। आप क्या हमारा निवेदन स्वीकार कर सकोगे, ये भी नहीं हुआ, है ना, ये भी नहीं है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकेंगे क्या। निवेदन को है स्वीकार कर सकेंगे क्या, ठीक है, स्वीकार कर सकोगे क्या नहीं होगा, कर सकेंगे क्या। नेक्स्ट देखिए, भाग्य पर कोई व्यक्ति का वश नहीं चलता, भाग्य पर कोई व्यक्ति का वश नहीं चलता, भाग्य पर प्रत्येक व्यक्ति का वश नहीं चलता, भाग्य पर कदाचित कोई व्यक्ति का वश नहीं चलता, भाग्य पर किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता, है ना। तो यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि भाग्य पर किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता, क्योंकि कोई व्यक्ति की बजाय सबसे बेस्ट क्या है, किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता है, भाग्य पर किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता। पहले और लास्ट वाले वाक्य में आप देखोगे तो कोई और किसी का फर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था, यह हो जाएगा, उसका ज्ञान ही उसके लिए नहीं होगा, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी, नहीं पूंजी था, यानी ज्ञान के लिए आया है ये जो था है वो किसके लिए आया है, ज्ञान के लिए आया है, कि उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, ये सही हो जाएगा।
गुरु के ऊपर या गुरु पर नहीं आएगा, गुरु के प्रति, यानी समर्पित भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, वो प्रति से पता चलता है। तो हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अगला है, वह बिल्कुल ये कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल ये कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी ये कार्य नहीं जानता, ये कार्य बिल्कुल भी वह नहीं जानता, ये कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता। तो वाक्य को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि एक अर्थ वाला जो वाक्य है वो पहला ही है कि वह बिल्कुल ये कार्य नहीं जानता है। तो साथियों कमेंट करके बताइए इन 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और एग्जाम में जो है आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।